दोस्तों एक्सेल के इस बहुत छोटे से ट्यूटोरियल में हम समझते हैं लॉजिकल फंक्शन नॉट को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। दोस्तों लॉजिकल फंक्शन नॉट हमारा एंड और का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर आपने लॉजिकल फंक्शन एंड को यूज किया है जहां पे हमारी दोनों ही वैल्यू ट्रू होंगी और आपने नॉट को भी यूज कर लिया है तो क्या होगा कि वो वैल्यूज की जस्ट अपोजिट हो जाएगी। देखिए इसको एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हम नॉट की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई थी और कंडीशन की, और कंडीशन में यहाँ पे रेड वैल्यू दिखाई और उसको लेस देन 10 जो है नंबर दिखाई, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। अभी मैं इस फॉर्मूला को ही यहाँ पे पेस्ट, मतलब यहाँ पे एक बार अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू और ब्रैकेट शुरू दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसके, रेड के कॉमा लॉजिकल टेस्ट क्या, दिस वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ट्रू आ गई है। अब अगर मैं इस वैल्यू से पहले, देखिए यहां से और से पहले नोट लगा देता हूं, नोट ब्रैकेट शुरू करता हूं और सबसे लास्ट में जाके एक और ब्रैकेट नोट वाला क्लोज कर देता हूं और एंटर कर देता हूं, तो ये फॉल्स हो जाएगी। इसने जस्ट इस वैल्यू को अपोजिट कर दिया है। तो जहां पे भी आपने लॉजिकल फंक्शन और या एंड को यूज किया है और आप चाहते हो कि उसका रिजल्ट आपने पलटना है तो आपने क्या करना होगा, नोट फंक्शन यूज करना होगा। नोट फंक्शन हमेशा हमारा उल्टा ही काम करता है, जो भी रिजल्ट आपका आ रहा होगा उसका वो उल्टा दिखा देगा। तो इस तरीके से आप नोट फंक्शन को एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।